पिपरा थाना क्षेत्र के निर्मली चौक पर स्थित कपड़े की दो दुकानों में भीषण आग लग गई, जिसमें लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई। बताया जा रहा है कि मनीष शाह के कपड़े की दो दुकान, जिसमें वो कपड़े का गोदाम बनाया हुआ था, उसमें देर रात अचानक आग लग गई। जब तक स्थानीय लोगों और दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, तब तक दोनों दुकानों में रखा लाखों का कपड़ा सहित अन्य सामान जलकर खाक हो गया। बताया गया कि देर रात दुकान में आग लगने की सूचना पर लोग दौड़कर आए और आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग की लपटें इतनी भयानक थी कि उसे बुझा पाना काफी मुश्किल था। इसके बाद सूचना पर पहुंची दमकल की दो गाड़ियों ने स्थानीय लोगों के सहयोग से आग पर काबू पाया। बताया गया कि इस आगजनी में 15 लाख से ऊपर का कपड़ा जलकर खाक हो गया है। सुपौल से अमरेश कुमार की रिपोर्ट। सूचना मिला कि निर्मली बाजार के आग लग चुका है, तो सूचना पाकर हम लोग आए यहाँ। तो जब तक आए तो आग भयानक रूप पकड़ लिया था। बड़ी मशक्कत के बाद हम लोग आग पे काबू पाए। कितना दुकान जली है? दो को दुकान जला है। क्या नाम है आपका? सुभाष कुमार यादव। क्या है आप? हम गिरी रक्षक हैं। सुपौल। सुपौल। क्या नाम हुआ? सुभाष कुमार यादव। ठीक। उसमें जो पर कैठो दुकान चली है, सारा जानकारी दीजिए। दो गोदाम जो है, दो गोदाम में भरा हुआ था। कल ही के दौर में जो है बाहर से माल आया था और शॉर्ट सर्किट ही बताया जा रहा है। गोदाम बंद था। कितना का क्षति हुआ? तकरीबन 25-30 लाख के आसपास। दमकल गाड़ी अग्निशमन आया है यहाँ पे? हाँ, यहाँ पर आए हैं। उन्हें के द्वारा काबू पाया गया? उन्हें के द्वारा काबू किया गया। आम पब्लिक भी था दमकल गाड़ी में। क्या नाम हुआ आपका? अनुज कुमार साहू। पद? निर्मली पंचायत सरपंच। आग लगी है, क्या कुछ घटना हुई अभी? आग तो अब कहा जाता है शॉर्ट सर्किट से लगी है, लेकिन अब देखना होगा कौन सी कारण की आग पुलिस लगी है या किसी और कारण से लगी है। देखना अब इन लोगों का अनुमान है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। दुकान थी? कई तो दुकान में लगी है। दो दुकान। कौन चीज़ का दुकान था? कपड़ा का दुकान था। मैं साग। कितना का क्षति हुआ होगा बेटा? अनुमान 15+ में हो, 15 लाख से ज़्यादा हो। 15 लाख से ज़्यादा। ठंडा आइटम तो अभी आइए किया है, पहले से कपड़ा खाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम चंदन जी हुआ। क्या है? हम क्या जगह भाई हैं। यहाँ जो है ना शाम में, मतलब जो है मेरा भाई जो है महेश शाह, वो जो है अपना दुकान में शाम के समय में सांझ बाती दे करके और बाहर आया। वो गोदाम है, वो दुकान उसके जस्ट सामने है। रोड के दक्षिण साइड में दुकान है और रोड के उत्तर साइड में जो है वह गोदाम है। दो रूम का गोदाम है, उसमें माल रखा हुआ जाता है। तो सांझ बाती देने के समय में गया, सांझ बाती दे दिया और शाम के समय में बत्ती उत्ती जला करके फिर वह शटर को मतलब भिड़का करके नीचे वो आया दुकान पर। दुकान पर आया उसके बाद यहीं पर बगल में, मतलब जो है पूरब साइड में, मतलब जो है इसका घर है, आवास। दुकान से मतलब पूरब साइड में जो है ना आवास है इसका। तो आवास में ये आया किसी चाय पीने के लिए। चाय पी करके जब बाहर निकला तो फिर गोदाम की तरफ जब देखा का है, तो रोड और गोदाम आमने सामने है, दुकान और गोदाम आमने सामने है। तो गोदाम की तरफ जब देखा तो धुआं इसको मालूम हुआ, तो गया देखने के लिए शटर के पास में। इसको वहाँ पर झड़क लगा और पूरा एकाएक जो है अंदर से धुआं निकल रहा था। उसके बाद ये हल्ला किया। मेरा भी दुकान इसके दुकान के गोदाम के जस्ट जो है वो दुकान मतलब जो है पूरब है, तो हाँ सटा हुआ। हल्ला जब सुने हम लोग तो पूरा हल्ला गुला हुआ, पूरा पब्लिक यहाँ का पूरा समाज जुटा और समाज के बहुत मशक्कत करने के बाद आग पर काबू पाया गया। और फायर ब्रिगेड वाले जो है गृह रक्षक वाले वो भी आए, लेकिन तब तक लगभग 75% आग जो है बुझ चुका था। लेकिन वो लोग भी आए और वो लोग भी हम लोगों का पूरा सहयोग किए आग बुताने में। और उसके बाद जो है आग अभी बुताया गया है, सामान पूरा जो है मतलब खत्म हो गया। वो तो आप लोग देखबे किए। किस चीज का दुकान है? कपड़ा का दुकान, गोदाम कपड़ा का दुकान। कितना का लगभग दोनों दुकान में क्षति? दोनों दुकान मिला करके लमसम रखिए जो कि मतलब 15-20 लाख के आसपास में जो है क्षति है टोटल मिला कर। तो कौन कौन दुकानदार है, क्या नाम है? वो महेश शाह है। और आपका? दोनों दुकान उसी का गोदाम है, वो दो रूम का। हाँ, दो रूम का है। कहाँ लगा है? आग गोदाम में लगा, निर्मली चौक पर, निर्मली चौक पर दुर्गा मंदिर से पश्चिम।